नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय आशा भगवती व्रत की सरल और आसान व्यापन विधि। आशा भगवती व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से आरंभ होकर 8 दिन तक चलता है। ये व्रत महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। आशा भगवती व्रत अष्टमी से शुरू होकर अमावस्या तक चलता है। इस व्रत में श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि से कहानी सुनी जाती है। इस व्रत की कहानी 8 दिन सुनकर 9वें दिन यानी कि नवरात्रि कलश स्थापना के दिन व्रत रखा जाता है। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता। 4 मीठी और 4 फीकी पापड़ी यानी कि सोहाली खाई जाती है। आशा भगवती की कहानी 8 साल तक सुनते हैं। जो सुहागन महिलाएं 8 साल तक कहानी नहीं सुन सकती, वो पहले ही साल कहानी सुनकर व्यापन कर सकती हैं। जो इस व्रत को 8 साल सुनते हैं, वो इसका व्यापन 3रे साल, 5वें साल या 7वें साल तक कर सकते हैं, या फिर पूरे 8 साल सुनकर 9वें साल व्यापन कर सकती हैं। इस व्रत का व्यापन करने के लिए 9 सुहाग पटियारी तैयार करेंगे। तो आप 9 छावड़ी भी ले सकते हैं, 9 टोकरी भी ले सकते हैं, 9 बाक्स भी ले सकते हैं। जो आपके पास उपलब्ध हैं वो आप ले सकते हैं। इसमें हमने 16 श्रृंगार सामग्री रखनी होगी, जैसे रौली, मौली, मेहंदी, काजल, कंघी, कांच, चूड़ा, सिंदूर, रीवन, बिंदी, विशाल, पिस्तक, नेल पॉलिश, दातन। दातन एक चांदी का तार होता है और आपको सुनार की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। ब्लाउज पीस, दक्षिणा, इसके अलावा आप क्रीम पाउडर, शैम्पू रख सकते हैं। इन सभी सामान के साथ 9 सुहाग पटियारी तैयार करें। फिर इनमें 4 मीठी और 4 फीकी पापड़ी रखें। पापड़ी आप एक दिन पहले ही बना के रख सकते हैं, उसी दिन आप पापड़ी ना बनाएं। इसके अलावा आप अपनी सासू माँ को बैना दे सकते हैं। बैने में आप साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, चूड़ी, बिंदी, माल, 5 गहने कोई भी ले सकते हैं। पायल, नोजपिन, चांदी का छल्ला, अंगूठी, बिछिया। अगर आपको कोई बड़ा गहना रखना चाहते हैं तो आप अपने समर्थ के अनुसार रख सकते हैं। इनमें से कोई 5 गहने रख लें। फिर आपने जो सुहाग पटारी तैयार की है, एक बो रखें, ससुर जी के लिए लिफाफा रखें। ये आप अध्यापन के लिए तैयारी हो गई है। अब आप जहाँ पर आप कहानी सुन रही हैं उसके 8 कोनों पर सुहाग पटारी रखें। बीच में सासू जी का देने वाला बेस रखें। सुहाग पटियारी रखकर रजाना की तरह बेस पर सुहाग पटियारी रखकर रजाना की तरह कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद सारे सामान पर रौली के छींटे देकर 7 बार हाथ फेरकर मिंस लें। सासू माँ जी का बेस सास या नंद को छन स्पर्श कर आशीर्वाद लें और सामान उन्हें दे सकते हैं। बाकी 8 सुहाग पटियारी 8 सुहागन महिलाओं को तिलक करके चरण स्पर्श करके दें, या फिर खाना खिलाकर भी सामान दे सकती हैं। अगर आप खाना नहीं खिला सकती हैं तो आप 8 सुहाग पटियारी उनके घर में दे आएं। इस तरह आप इस व्रत का व्यापन कर सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।